UIDAI ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, ई लर्निंग पोर्टल। ये पोर्टल स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका कोई ऑनलाइन शॉप है, CSE सेंटर है, या फिर वो आधार सेंटर का काम लेना चाहते हैं। आधार सेंटर का काम करने के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना होता है, जिसके बाद आप आधार सेंटर का काम कर सकते हैं। तो इस पोर्टल पर आपको एक कंप्लीट कोर्स मिल जाता है, जहां पर आपसे आधार से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपको वीडियोस और मॉड्यूल्स मिल जाते हैं जहां पर आप तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद आपका एक ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होता है। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में पॉसिबल है कि आधार सेंटर लेने के लिए इस सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये कोर्स अभी बिल्कुल फ्री है, आप फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फ्री में एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस पोर्टल के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप इस पोर्टल में कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे और कैसे लॉगिन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने UIDAI का ई लर्निंग पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको लर्निंग कोर्स में लॉगिन करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए आप यहां इनरोलमेंट इस पर ओके करेंगे। इसके बाद रजिस्टर नाउ इस पर ओके करेंगे। इसके बाद आपको अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, यहाँ पर लास्ट नेम डालेंगे, यहाँ पर एक यूजर नेम डालेंगे, जो भी यूजर नेम आप रखना चाहते हैं। इसके बाद एक पासवर्ड डालेंगे, जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं। इसके बाद अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी दोबारा डालेंगे कंफर्म करने के लिए। इसके बाद अपनी सिटी या टाउन का नाम डालेंगे, यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर एजेंसी टाइप में इनरोलमेंट एजेंसी सेलेक्ट रखेंगे। इसके बाद क्रिएट माई न्यू अकाउंट इस पर ओके करेंगे। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक सेंड किया जाएगा, जहां से आपको अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा। ईमेल वेरीफाई होने के बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, जिसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। तो अभी 5 मिनट से भी ज्यादा हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन किए हुए, लेकिन अभी तक हमें कोई भी लिंक नहीं मिला है। तो ये साइट की प्रॉब्लम की वजह से है, क्योंकि अभी ये नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, ई लर्निंग पोर्टल। तो हो सकता है अभी इसमें कुछ बग्स रह रहे हो और कुछ अभी इस पर काम किया जा रहा हो। तो आपको मिनिमम 10 से 15 मिनट तक वेट करना है। अगर लिंक नहीं मिलता है तब आप लिंक को रिसेंड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको लॉगिन पोर्टल पर आना है। यहाँ पर अपना यूजर नेम या फिर ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट किया है। इसके बाद लॉगिन करेंगे। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा रिसेंड कंफर्मेशन ईमेल, इस पर ओके करेंगे। इसके बाद आपके ईमेल आईडी पर दोबारा से मेल सेंड कर दी जाएगी। तो फाइनली लिंक हमारे पास मेल पर आ चुका है, लेकिन ये लिंक हमें प्रमोशंस में मिला है, यहाँ प्राइमरी या फिर सोशल में नहीं आया है। तो आप अगर प्राइमरी में मेल को चेक करेंगे तो यहाँ पर शायद आपको ना मिले, आप प्रमोशन में चेक करेंगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगा। इसके बाद इसको ओपन करेंगे, इसके बाद इस लिंक पर क्लिक करेंगे और ईमेल भी कन्फर्म हो गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपको लॉगिन करना है, यहाँ पर अपना यूजर नेम या फिर ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, इसके बाद लॉगिन करेंगे। इसके बाद आप ई लर्निंग कोर्स में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ ऑल कोर्सेज में आप कोर्स चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ 2 कोर्स अवेलेबल है, एक है इंट्रोडक्शन टू आधार ऑथेंटिकेशन एंड सीडिंग और दूसरा है इनरोलमेंट एंड अपडेट प्रोसेस। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको ये कोर्स मिल जाएंगे। सो आप इन दोनों कोर्स से तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम ऑनलाइन दे सकते हैं। इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी जारी किया जाता है और वो सर्टिफिकेट अगर आप आने वाले टाइम में आधार सेंटर ओपन करते हैं तो हो सकता है कि वहां पर भी आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल हम इस वाले कोर्स को देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू आधार ऑथेंटिकेशन एंड सीडिंग, इस पर ओके करेंगे। इसके बाद इनरोल मी इस पर ओके करेंगे। इसके बाद आपके सामने कोर्स की पूरी डिटेल्स आ जाएगी। सबसे पहले आपको प्री असेसमेंट मिल जाता है, जहां पर आप अपनी नॉलेज चेक कर सकते हैं कि आपको इस कोर्स के बारे में कितनी नॉलेज है। यहां पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप वहां पर चेक कर सकते हैं कि आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको कैसे आंसर देना है। इसको क्लियर करने के बाद सेकेंड स्टेज होगी सेल्फ बेस्ड लर्निंग। इसके बाद आपको लर्निंग करनी होगी असेसमेंट की, जो कि आप वीडियोस के माध्यम से कर सकते हैं। आपको कुछ वीडियोस दी जाएंगी, आप उन वीडियोस को देख के और वहां पर कुछ मॉड्यूल्स दिए जाएंगे, उन मॉड्यूल से आप जो है तैयारी कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेज कंप्लीट करने के बाद आपको थर्ड स्टेज फाइनल असेसमेंट क्लियर करना होगा, जिसमें आपको टेस्ट देना होगा। इस टेस्ट को क्लियर करने के बाद फिर आपको फीडबैक देना होगा। फीडबैक देने के बाद आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो यहां से ऑनलाइन ग्रुप चैट कर सकते हैं, डिस्कशन फॉर्म कर सकते हैं, रिसोर्सेज देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्री असेसमेंट देख लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अटेम्प्ट नाउ इस पर ओके करेंगे, स्टार्ट अटेम्प्ट इस पर ओके करेंगे। इसके बाद आपका फर्स्ट अटेम्प्ट स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर आपसे टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे,
यहाँ पर ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं और इसका आंसर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, आधार शेडिंग इंक्रीज द रीच एंड इफिशियंसी इज डिलीवरिंग गुड्स एंड सर्विसेज, तो आपको इसका आंसर सेलेक्ट करना है जो भी आपको लगता है। तो हमें ये सही लगता है तो हम इसको ट्रू सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, आधार शेडिंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू अवेल द बेनिफिट्स अंडर नरेगा स्कीम, तो आप इसका आंसर सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नरेगा वेजेस टू पीपल क्लेम टू बी द सेम पर्सन, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द राइट इंडिविजुअल इन सच ए सिचुएशन। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज आधार ऑफलाइन ईकेवाईसी अवेलेबल, तो अपना ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज बेनिफिशियरी ऑथेंटिकेशन डन फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट। इसके बाद असेसमेंट सबमिट हो जाएगा, इसके बाद बैक टू द कोर्स, इस पर ओके करेंगे। सो हमारी पहली स्टेज कंप्लीट हो चुकी है, जैसा कि आप यहां पर देख भी सकते हैं। पहली स्टेज कंप्लीट होने के बाद आपकी सेकंड स्टेज ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी, जैसा कि यहां पर ये ओपन हो चुकी है। इसके बाद आप लर्निंग कंप्लीट करेंगे तो फाइनल असेसमेंट आपको कंप्लीट करना है, जिसमें आपको 75% मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। इसी के बाद आपका सर्टिफिकेट इशू होगा जो कि फिर आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इस कोर्स को कैसे कंप्लीट करेंगे, इसके बाद आप सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करेंगे, इस पर मैं कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। सो आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह की यूजफुल वीडियोस देखने के लिए। बाकी अगर आपको ई लर्निंग कोर्स में रजिस्ट्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।